दोस्तों, मेरा नाम मीनू है और आज आप सबको इस सेशन में मैं खाता बुक के बारे में जानकारी दूंगी। खाता बुक में कैसे कस्टमर ऐड करते हैं और उनके लिए कैसे एंट्री करते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं, खाता बुक को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे। ये यहाँ पे इंस्टॉल की बटन पे हमें क्लिक करना। खाता बुक बहुत ही आसान ऐप है। आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जो कि उधारी पे रहते हैं, तो आप उनका एंट्री और उनका लेखा जोखा कैसे करें, इस ऐप के ज़रिए आप तुरंत एंट्री कर सकते हैं और उनको, आपके कस्टमर्स को इस बात की जानकारी भी दे सकते हैं कि उनके पास कितना उधार है। और अभी हमारा ऐप इंस्टॉल हो रहा है, तो हम इस वीडियो में आज हम ये सीखेंगे कि कस्टमर कैसे ऐड करते हैं और एक कस्टमर के लिए कैसे एंट्री करेंगे, कितना उस कस्टमर के पास मेरा उधार है। और ये भी हम देखेंगे कि हम कैसे रिमाइंडर भेज सकते हैं, कैसे मैसेज और व्हाट्सएप एसएमएस के ज़रिए हम कस्टमर को ये जानकारी दे सकते हैं कि तुम हमारे जो भी बैलेंस है हमारा, हमारे और कस्टमर के बीच में, वो हम कस्टमर को भेज सकते हैं। बहुत सारी भाषा में है हमारा खाता बुक, तो मैं आपको हिंदी चूज करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं नीचे नीले बटन पे क्लिक करूँगी। मैं अपना मोबाइल नंबर डालूँगी, रजिस्टर करूँगी मोबाइल नंबर। रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे पिन मिलेगा मेरे मोबाइल नंबर पर और वो वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम एक नया ग्राहक कैसे जोड़ते हैं। तो नीचे बटन है लाल कलर का, वहाँ पे हमने क्लिक किया नया ग्राहक जोड़ने के लिए। तो खाता बुक हमारे फोन बुक में से भी नंबर्स ले सकता है ग्राहक के, तो हमने इसको अलाउ दे कर दिया। और हम यहाँ पे, अगर हमारे पास कस्टमर का नंबर पहले से फीड है, तो हम उसका यहाँ पे नाम टाइप करेंगे। तो यहाँ पे कस्टमर की एंट्री हो गई। तो मान लीजिए कि इस कस्टमर ने मेरे पास से, मेरी किराना शॉप से 250 रुपये का सामान लिया और वो केवल उनके पास 100 रुपये ही थे और उन्होंने 150 रुपये उधारी कर दी। तो हम ये देखेंगे कि मेरे ऊपर इतना 150 रुपये उधार है, तो हम इस लाल बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 150 और यहाँ पे हम जानकारी दे देते हैं कि कौन से आइटम खरीदा था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दाल और ऑयल। और ये देख रहे हैं आप किनारे कैमरा का जो सिंबल है, वहाँ पे क्लिक करके हम बिल की फ़ोटो भी तुरंत खींच सकते हैं, ताकि हमारे पास प्रूफ रहे कि इतना का बकाया हमारे ग्राहक के पास है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे
कैमरा से मैंने फोटो ले रही हूँ मैं। तो ये देखिए मेरे पास बिल है, तो मैंने इसका फोटो ले लिया। तो अब हम इसको सेव कर देंगे। आज की तारीख 10 थी, तो उस तारीख पे हमारे पास 150 रुपये का उधार है। हम तुरंत SMS भी भेज सकते हैं, और हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम बाद में भी भेज सकते हैं। तो हमने SMS भेज दिया उस कस्टमर को। तो ये हमारी एंट्री हो गई यहाँ पे 150 रुपये का। देखिए ये कस्टमर जिनका नाम इटा है, ये हमको 2 दिन बाद 150 रुपये वापस करती हैं। तो हम जब हमको ग्राहक से पैसे मिलते हैं तो हम हरी बटन पे दबाएंगे, तो 150 यहाँ डाले। तो यहाँ पे जैसे कि अभी तो आज 10 जून है, तो इसलिए ये तारीख दिखा रहा है। मैं आपको एग्जांपल देने के लिए मैं यहाँ पे 12 जून सेलेक्ट करती हूँ, क्योंकि वो 2 दिन बाद हुआ है। और इसको मैंने सेव कर दिया। तो अब चुकाया गया, हमारा बैलेंस 0 है। अब देखिए ये एक चुकाया गया के नीचे हमारे पास रिपोर्ट, पेमेंट, रिमाइंडर और SMS, तीन चार ऑप्शंस हैं जिसके ज़रिए हम ये ग्राहक को सूचित कर सकते हैं कि उनका हमारे पास हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया है बैलेंस। तो हम WhatsApp के थ्रू भी भेज सकते हैं। तो जब हम इस WhatsApp के सिंबल पर क्लिक करेंगे रिमाइंडर भेजने के लिए, तो हमें ये पॉपअप आएगा कि इस कस्टमर को पेमेंट रिमाइंडर हमें भेजना है कि इस कस्टमर के पास हमें 100 रुपये लेने हैं। तो हम नीले बटन पे क्लिक करेंगे रिमाइंडर भेजना, तो तुरंत ही हमारे WhatsApp से उस कस्टमर को मैसेज चला जाएगा। तो इस तरीके से हमें WhatsApp मैसेज, वो कस्टमर को इस तरीके से WhatsApp मैसेज जाता है कि ये 100 रुपये का रिमाइंडर हम अपने स्टोर से भेज रहे हैं। तो आपने देखा आज की क्लास में कि खाता बुक कैसे इंस्टॉल करते हैं, कस्टमर कैसे ऐड करते हैं, एंट्री कैसे करते हैं और रिमाइंडर कैसे भेजते हैं। रिमाइंडर भेजने का ये सही तरीका आप WhatsApp, SMS के ज़रिए कर सकते हैं। इससे आपका हिसाब किताब सही रहेगा और आपको कहीं और नोट करने की ज़रूरत नहीं है कि एक कस्टमर के पास क्या बकाया है। अगली क्लास में हम ये सीखेंगे कि हम अपना UPI कैसे जोड़ सकते हैं खाता बुक में, और UPI फ़ोनपे, गूगल पे के ज़रिए कैसे हम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं किसी को। धन्यवाद।